एक बार फिर आईपीएल के मंच पर गरजा है ऋतुराज का बल्ला। चार साल बाद चेपॉक के मैदान पर आते ही चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने बेखौफ अंदाज से जीत लिया है फैंस का दिल। जहां पहले मैच में तूफान लाने वाले गायकवाड़ ने दूसरे मुकाबले में भी जारी रखा वही ताबड़तोड़ अंदाज और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के उड़ा दिए होश। तो आखिर कैसे गायकवाड़ के तूफान में उड़ी लखनऊ की गेंदबाजी, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। चार साल बाद सीएसके ने चेपॉक में आते ही धमाकेदार शुरुआत की है। लखनऊ के खिलाफ सीजन के अपने दूसरे मुकाबले में चेन्नई की गाड़ी ने पहले ओवर से ही जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। मेहमान टीम के कप्तान केएल राहुल का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला उन्हीं की टीम पर पूरी तरीके से भारी पड़ गया। जहां पहले छह ओवरों में ही ऋतुराज गायकवाड़ और डिवोन कॉनवे ने ताबड़तोड़ अंदाज में गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए। पिछले मुकाबले में 92 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले गायकवाड़ ने अपने उसी अंदाज को घरेलू मैदान पर भी जारी रखा है और चेन्नई में पहली बार खेलते हुए सीएसके के लिए एक और अर्धशतक ठोक दिया। सीएसके के इस शानदार ओपनिंग बल्लेबाज ने 25 गेंदों में ही 200 की स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 4 छक्के की मदद से शानदार अर्धशतक लगाया और लगातार दूसरे मुकाबले में भी रनों की बारिश करते हुए न केवल चेन्नई सुपर किंग्स को एक बेहतरीन आगाज दिलवाया बल्कि दो मुकाबलों में दो बड़ी पारियों के दम पर ऋतुराज गायकवाड़ ने फिलहाल के लिए ऑरेंज कैप पर मजबूती से अपना कब्जा भी जमा लिया है। वहीं पिछले मैच में सस्ते में आउट होने के बाद डिवोन कॉनवे ने भी शानदार वापसी की है, जहां कॉनवे ने भी पार्टी ज्वाइन की और चौके छक्कों की बरसात से चेपॉक स्टेडियम में धमाल मचा दिया है। तो दोस्तों, आप सीएसके के दोनों सलामी बल्लेबाजों की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।